हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेल कटेजू एंड ब्लैक कटेजू के बीच में डिफरेंस करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पॉटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज जब एक्सटर्नल सर आते हैं या मैम आती है तो हमें पेल कटेजू और ब्लैक कटेजू के डिफरेंस पूछे जाते हैं। एग्जाम में थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। पेल कटेजू हम इसको डिफरेंस की फॉर्म में करेंगे, पेल कटेजू एंड ब्लैक कटेजू के बीच में डिफरेंस बताइए। सो ये जो जितने भी पॉइंट्स मैं लिखवाऊंगी ये आप एक्सटर्नल सर को बता सकते हैं, एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं। सबसे पहले कि पेल कटेजू जो है वो हमें अनकैरियर गैम्बियर प्लांट से मिलता है, और किस पार्ट से? लीफ से मिलता है या ट्विग से मिलता है। बट जो ब्लैक कटेजू होता है वो हमें अकेशिया कटेजू से मिलता है, कटेजू एंड उसके हर्टवुड से हमें मिलता है, हर्टवुड, कोई लीफ वीफ से नहीं मिलता। सेकेंड पॉइंट कि जो पेल कटेजू होता है वो पेल कटेजू की जो क्यूब्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, फ्राइएबल होते हैं, ईजिली ब्रोकेबल होते हैं, ईजिली ब्रोक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसके जो ब्लैक कटेजू की जो क्यूब्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ईजिली नहीं टूटते हैं, और ये सॉफ्ट भी होते, सॉफ्ट तो होते ही, यहाँ पर लिख दिया है, ये हार्ड होने की वजह से इरेगुलर भी होते हैं, इरेगुलर के ऊपर मार्किंग्स होती है, स्क्रैचेस होते हैं, इसीलिए ये खुरदुरे से रफ से लगते हैं, रफ। सेकेंड पॉइंट हम ये बता सकते हैं। थर्ड पॉइंट इसकी केमिकल टेस्ट से आते हैं। पेल कटेजू हर एक टेस्ट, टैनिंग के जितने भी टेस्ट होते हैं वो सब टेस्ट देते हैं, जैसे कि गैम्बियर फ्लोरेसेंट टेस्ट पॉजिटिव देता है, क्लोरोफिल टेस्ट पॉजिटिव देता है, टेस्ट पॉजिटिव, कैटेचिन टेस्ट पॉजिटिव देता है, कैटेचिन टेस्ट इज मेटस्टिक टेस्ट, पॉजिटिव देता है, एंड वेनलिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट पॉजिटिव देता है। पेल कटेजू हर एक टेस्ट, जितने भी टैनिंग के टेस्ट होते हैं सब पॉजिटिव देता है, बट ब्लैक कटेजू इन दोनों टेस्ट को तो पॉजिटिव देता है, ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, कौन कौन से? कैटेचिन या मेस्टर टेस्ट और वेनिलिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट। बट गैम्बियर फ्लोरेसेंट टेस्ट और क्लोरोफिल टेस्ट जो होते हैं वो नेगेटिव देता है, नेगेटिव देता है। गैम्बियर टेस्ट नेगेटिव इसीलिए देता है क्योंकि पेल कटेजू हमें उसके लीफ से मिलता है, लीफ के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, इसीलिए पॉजिटिव देता है। पर जब हम ब्लैक कटेजू लेते हैं तो वो हम हर्टवुड से लेते हैं, हर्टवुड वुड है, उसके अंदर कोई क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये नेगेटिव टेस्ट देता है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये पॉजिटिव कैसे दे पाएगा? ये तीन पॉइंट्स हो गए। फोर्थ पॉइंट इसके यूजेस पर आते हैं, पेल कटेजू टैनिंग प्रोसेस के अंदर, टैनिंग प्रोसेस मतलब एनिमल हाइड को जब हम लेथर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, लेथर मतलब कुछ पहनने जैसा, एनिमल हाइड को, एनिमल्स की स्किन को जब पहनते हैं उसको, इसको ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, एनिमल हाइड को लेथर में चेंज करने के प्रोसेस में काम आता है, एंड डाइंग के प्रोसेस में काम आता है, जब हम डाइंग कराते हैं उसमें यूज़ होता है, डाइंग में यूज़ होता है। बट जो ब्लैक कटेजू होता है वो पान मसाला की तरह यूज़ होता है, पान मसाला की तरह यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ पॉइंट, पेल कटेजू के अंदर पाइरोगैलॉल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, इसके अंदर गम प्रेजेंट होता है, गम 20-30% गम प्रेजेंट होता है। गम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।